और चलिए अब आपको लिए चलते हैं और सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं जोधपुर में। कांतदास जी महाराज साहब, हमारे राजस्व मंत्री भाई हरीश चौधरी जी, उप मुख्य सचेतक भाई महेंद्र चौधरी जी, विधायक लोहावट कृष्णा राम जी विश्नोई, हमारे पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ साहब, हमारे साथी और पूर्व विधायक नारायण राम जी बेड़ा साहब, जिनके कारण हम सब इकट्ठे हुए आज यहाँ पर, रामपाल जी जाट, राजेंद्र सोलंकी जी, सुनील परियार जी, दिलीप चौधरी जी, पूर्व संसदीय सचिव श्रीमती संगीता बेनीवाल, अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग श्रीमती मुन्नी देवी गोदारा जी, पूर्व जिला प्रमुख बयाराम जी कास्ती, रलाल जी मुंडेल, हितकंद जी लामरोड, अल्लाराम जी मेघवाल, ओम प्रकाश सैन, शिवकरण जी सैनी, कैलाश बेड़ा जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कांता ग्वाला, पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष रही हुई हैं काशीराम जी विश्नोई, सुमेर सिंह जी पूर्व सरपंच, राजेश जाकर साहब और तमाम उपस्थित हमारे बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों। मुझे आज बहुत पसंद था कि मैं आज आपके साथ में यहाँ पर उपस्थित हो चुका, आप सबके दर्शन हो गए। स्वर्गीय श्री लक्ष्मीनारायण जी बेड़ा, जिन्होंने लंबा समय तक सेवा करी इलाके की, वो जमाना और था। उस जमाने में जिस रूप में उन्होंने आगे बढ़ करके खेतों को, खेती को बढ़ावा देने का काम किया, अकाल पड़ते रहते थे उस जमाने के अंदर। और मुझे बताया गया कि उस जमाने में बचपन से ही वो भेड़ बकरी चलाने की बात हो, लोगों के सुख दुख में काम आने की बात हो, पानी चारा बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है अकाल पड़ते। उस वक्त में वो लोग लक्ष्मीनारायण बेड़ा इन कामों को करने की रुचि रखते थे। बच्चों में शिक्षा पढ़ाई लिखाई हो, इसमें उनकी रुचि रहती थी उस जमाने के अंदर भी। आज तो हम भी कहते हैं कि पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। जब आपके आशीर्वाद से मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 20 साल पहले, तब मैंने नारा दिया था पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। दूसरी बार आपने मौका दिया मुख्यमंत्री बनने का, तो मैंने दो बातें जोड़ दी, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ और बेटी बचाओ। अब आप बताइए कि उस जमाने में लक्ष्मण राम जी बेड़ा साहब अगर बच्चों में शिक्षा की बात करते थे, अकाल सुखे में लोग सेवा करते थे, और उसी रूप में उन्होंने हमेशा गरीब की जो तकलीफ में रहता था आदमी, उसकी मदद करते थे। मुझे खुशी है कि आज उनके नाम से, उनके काम से, उनकी प्रतिबद्धता से जो उनकी सेवाएं थी, उसको आने वाली पीढ़ी याद करे, उसके लिए आज उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है। मूर्ति क्यों लगाई जाती है? कोई महापुरुष हो, शहीद हो गया हो हमारी सेना के अंदर रहते रहते, या कोई समाजसेवी हो, इसलिए लगी जाती है कि आने वाली पीढ़ियाँ भी और बच्चे भी निकले उधर से, मूर्ति देखे, लगे भाई मूर्ति किसकी है, क्यों लगाई गई है, इनका क्या बैकग्राउंड है, क्या इन्होंने ऐसा काम किया कि मूर्ति लगाने की जरूरत पड़ी है। तो नौजवान साथी भी, छात्र भी, युवा भी देखता है कि हाँ, जानकारी प्राप्त करेगा, फिर मन के अंदर संकल्प करता है मुझे भी कुछ करके दिखाना जिंदगी के अंदर। इसलिए हमारे राजस्थान में सिलसिला चलता रहता है, शहीदों की मूर्ति लगती है। आप देखते हैं कितने शहीद हुए राजस्थान से, कोई सोच नहीं सकता था। इसलिए मुझे खुशी है कि आज एक ऐसे व्यक्तित्व का मूर्ति का काम पूरा हुआ, जिसके बारे में आप सबको मालूम है कि उनकी क्या सेवाएं थी। आज अभी हरीश चौधरी ने आपको कई बातें बताई क्या हो रहा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, और हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग जो आपके सिपाही भी रहे हैं, सेवक भी रहे हैं, और आपके आशीर्वाद से मुझे आज दिल्ली तक जाने का सौभाग्य मिला, मैं 5 बार मेंबर पार्लियामेंट बन पाया, ये क्षेत्र मेरा है। इस क्षेत्र से मुझे आपने मदन साहब जब हमारे नेता हुआ करते थे, लंबे समय तक उन्होंने सेवा करी इलाके की, और हरीश चौधरी जी इस पद पर बैठे हुए हैं रेवेन्यू मिनिस्टर,
कोई जमाने में हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय परसा मरीना जी भी राजस्व मंत्री रहे थे उस जमाने के अंदर। इतना बदलाव आ गया, जमाना बदल गया है नई पीढ़ी का कि रेवेन्यू मिनिस्टर वो भी थे, आज के वक्त में मेरे रेवेन्यू मिनिस्टर हरीश चौधरी जी भी यहाँ बैठे हुए हैं जो किसानों की हमेशा पैरवी करते रहते हैं, आपके सुख दुख में साथी रहते हैं। और इसी रूप में आज हम सब यहाँ इकट्ठे हो गए तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग यही संकल्प लें कि आने वाले वक्त में जो किसानों की समस्या है या जो नारायण बेड़ा जी ने कई मांगे रखी है यहाँ पर और बड़े मांड के बातें करी, मांड के कहा धीरे 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 कर दिया, धीरे 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 छोटी सी मांग है सड़क की, छोटी सड़क है क्या, मैं सुन रहा था उनकी अदाएँ क्या थी, किस अदा से बोल रहे थे, मुख्यमंत्री को पटाने का इससे अच्छा अवसर हो नहीं सकता। नाना बेटा जी, मैं तो एक बार भोपाल गया था तब आप हमारी पार्टी में नहीं थे, तब भी बद्रीराम जाकर बैठे हैं जो मांग मुझसे करी, 5-7 सड़कें होगी मेरे ख्याल से उस वक्त में, कितनी थी जो मांगे मैंने सब 5-7 सब सड़कें मंजूर कर दी थी उस जमाने के अंदर। तो ये हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि मांगे पूरी करें, पर ये भी नहीं करना चाहिए खाली घोषणा कर दें मांगे पूरी नहीं, उसकी फायदा क्या है वो देखना पड़ता है। अभी आपने अचानक मांगे रख दी है तो मैं अब इसको, आप जब जयपुर आएंगे आपके साथ बैठ के मैं मीटिंग करूंगा और हरी जी वहाँ रहेंगे साथ में, हम कोशिश करेंगे कौन कौन सा पानी का मामला है, मान लो टंकी का 77 का बताइए, 77 का जब पहला इलेक्शन मैंने मिला उस वक्त में मैं चुनाव हार गया MLA का, तो आप सोच सकते हो कि 40 साल ज़्यादा अर्थ हो गया, 40 साल पुरानी मांग मुझसे मनवा रहे हैं अभी, ये बताओ। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि ये टॉप प्रायोरिटी पर काम को पूरा करवाएंगे, पानी वाला काम पहले करेंगे। और मदन साहब तो नहीं रहे दुनिया के अंदर, पर पहला इलेक्शन मैंने लड़ा था पार्लियामेंट का तो वही लेके मुझे घूमे थे सब जगह पर, भोपालगढ़ हो, ओशिया हो, फलोदी हो, बिलाड़ा हो, लूनी हो, और मुझे ऐसा अवसर मिल गया काम करने का, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा कि मैं 5 बार MP बन गया, एक बार चुनाव हार गया मैं, जो आंधी चली थी उस वक्त में भी 25 सीटें चली गई राजस्थान के अंदर, जैसे अभी गई थी वैसी उस वक्त भी गई थी, तब मैं भी जीतवाया था, पर बाकी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, 5 बार MP बनाया मुझे आपने, अगर आप MP नहीं बनाते तो मैं ना इंदिरा गांधी जी के साथ रहा कैबिनेट मंत्री रहा, वहाँ उपमंत्री रहा, राजीव गांधी के साथ मैं उप राज्य मंत्री रहा, और फिर मैं बना टेक्सटाइल मिनिस्टर बना नरसिम्हा जी के साथ में, 3 बार केंद्रीय मंत्री बना, 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना, 2 बार मैं AICT का महामंत्री बना हूँ, और 30वीं बार आपका प्रथम सेवक के रूप में खड़ा हूँ यहाँ पर। तो अगर जोधपुर की जनता मुझे आशीर्वाद नहीं देती तो आप मुझे बताओ कि ये सब अवसर मुझे कैसे मिलते। तो सबसे पहले मेरा धर्म बनता है कि मैं अपने उन लोगों के बारे में बात करूँ, उनके सुख दुख में काम आऊँ, और मैं ये काम कर भी रहा हूँ, जहाँ कहीं मुझे मौका मिला दिल्ली में या जयपुर में, विकास मेरा ध्येय रहा जिंदगी के अंदर, गरीब की सेवा करना ध्येय रहा, किसान की समस्याओं का समाधान करना ध्येय रख के चले, क्षतिज कौम के सुख दुख में काम आओ ये प्रयास करो, ये हमने हमेशा आह्वान किया है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि उसमें कमी रखी नहीं, आज जोधपुर में सब कुछ हो गया है, एम्स आ गया, IIT किसे कहते हैं, 6 IIT हुई थी आज़ादी के बाद में जब पंडित नेहरू ने बनाई थी देश के अंदर, जोधपुर में खुलना बहुत बड़ी बात है, NIFT खुल गया, लॉ यूनिवर्सिटी खुल गई, आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी खुल गई, कृषि विश्वविद्यालय खुल दिया, ब्रॉडगेज आ गई, पहले हम लोग कितने धक्के खाते थे गाड़ी बदलने के लिए अहमदाबाद और दिल्ली के अंदर, ब्रॉडगेज आना किसे कहते, कोई मांग भी नहीं करता था, इंदिरा गांधी के नाम पानी आ गया जोधपुर में, अब तो आपके भोपालगढ़ और पूरे जिले में पानी कई जगह आया, कई जगह आएगा, हम लोग स्कीम बना रहे हैं, जो बाकी बच गया एरिया
सब जगह इंदिरा गांधी के नाम का पानी पहुंचेगा, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। और काम चालू भी है और हम आगे की थर्ड फेज ला रहे हैं। मैंने अभी पिछले सप्ताह ही मीटिंग ली है, जोधपुर लिफ्ट कैनाल का थर्ड फेज शुरू किया जाए जल्दी। उसके लिए लोन चाहिए 1000 करोड़ ज़्यादा का, वो हम लोग ले रहे हैं विश्व की संस्थाओं से, ADB हो या अन्य संस्थाएँ हो, बातचीत चल रही है। तो कहने का मतलब ये कि गांव हो या शहर हो, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में कोई कमी नहीं रखी हमने। 220 का आपका गोपालगढ़ में बिना मांगे हुए GSR बना दिया, बिना मांगे हुए बनाया 220 का। मेरे ख्याल से 220 का है पहला मैं मुख्यमंत्री पहली बार बना, तब की बात बताऊँ आपको, 20 साल पहले। ये मेरी सोच थी, गोपालगढ़ में लोग कुओं पे खेती करते हैं, बिजली की समस्या बनी रहती है और टिपिंग होती रहती है, ये ओल्ड बार मिलता रहेगा मुझे, तो मैं कम से कम मुख्यमंत्री बनते ही पहला काम मैंने जो किया जोधपुर में वो किया, आपके यहाँ 220 KVA का GSS का स्टेशन बनाने का काम किया मैंने। जोधपुर के मंडो के पास में 400 KVA का GSS बना। इस प्रकार से मेरदम बनाया गया, जाल बिछा दिया बिजली के GSS का पूरे प्रदेश के अंदर। बिजली का उत्पादन हमने किया हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किया, राजस्थान ने 1750 MW उस जमाने के अंदर। पवन ऊर्जा हमने शुरू करी जैसलमेर में, 2.5 MW थे, 3 MW थे, आज 4500 MW बनती है, हवा से बिजली बनती है, पवन ऊर्जा बनती है राजस्थान के अंदर। सूर्य किरणों से बिजली पैदा होने लग गई है और आने वाले वक्त में लोग अपने छतों पर लगाएंगे, फोटोवोल्टिक सेल लगाएंगे, बिजली पैदा करेंगे। टाइम वो आएगा, अपनी बिजली खुद पैदा करो, खुद खर्च करो, बच जाए तो वो आप सरकार के ग्रिड में डाल दो। किसानों को मैं कहना चाहूँगा, टाइम आ रहा है, आपकी स्कीम आ रही है, जिनके पास खेती की ज़मीन है एक्स्ट्रा, वहाँ आप पैनल लगा सकते हो बिजली बनाने के, ये सोलर बिजली, सूर्य किरणों की बिजली, सूर्य भगवान की देन है, वो बिजली पूरी लो, खेत में काम लो, कुएं में काम लो, और बच जाए तो आप सरकार के किट में डाल दो, पैसा मिलेगा वो उल्टा आपको, वो टाइम भी आएगा। इस रूप में सरकार बहुत तेज गति से जल्दी पॉलिसी लाने वाली है, सोलर पॉलिसी, उनका फायदा पूरे प्रदेशवासियों को मिलेगा, पूरा आपको मूल्य मिलना चाहिए उत्पादन का, ये हमारा कर्तव्य है और इसको हम लोग पूरी तरह देख रहे हैं। कई शिकायतें भी है, अभी तक कई जगह बीमे की रकम मिली नहीं है, कई अड़चने भी आ रही है, उसको हम दूर कर रहे हैं। क्योंकि भारत सरकार भी क्या कर रही है, अब वो नोटबंदी में फेल हो गई, फिर GST में फेल हो गई है, जो GST हम लाना चाहते थे मनमोहन सिंह जी, एक राष्ट्र एक टैक्स, वो लाते तो आज दिक्कत नहीं आती। उन्होंने क्या किया, पहले विरोध किया हमारे वक्त में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर और सोनिया गांधी थी चेयरपर्सन, तब तो किया विरोध, सरकार उनकी बन गई तो उन्होंने आनंद फानंद के अंदर एक टैक्स की बजाय 4 टैक्स कर दिए। अब ऐसी स्थिति में फंस गए वो लोग, बार बार मीटिंग बुलाते हैं, कम ज़्यादा करते रहते हैं, माहौल ख़राब कर दिया। तो आज इनकम जो है भारत सरकार की वो भी कम हो गई, टैक्स आ ही नहीं रहा है, वो नहीं आता तो जो राज्यों को मिलता है उनका हिस्सा, राज्यों का हिस्सा, वो केंद्र सरकार दे नहीं रही हम लोगों को। 7000 करोड़ रुपये कम आएंगे हमारे यहाँ पर राजस्थान, 7000 करोड़, आप कल्पना कर लीजिए। उन हालातों में हम लोग काम कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार की जो फेलियर है उसका नतीजा भुगतना पड़ता, पूरे देश के राज्यों को भुगतना पड़ रहा, उल्टा हो रहा है, अर्थव्यवस्था बहुत बिखर गई है। आप पढ़ते होंगे अखबार के अंदर, संकट की घड़ियाँ हैं, बैंकों का NPA हो रहा है, किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया हम लोगों ने, पर वो केंद्र सरकार की जो बैंकें हैं, नेशनल बैंकें हैं, किसानों की मांग थी वो कर्जा माफ़ करो, हमने कोशिश जारी रखी, अभी भी कर रहे हैं, अभी तक तो बैंकें मान नहीं रही राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, वरना हमने कोऑपरेटिव बैंक का, भूमि विकास बैंक का सब कर्जे माफ़ कर दिए, पूरा कर्जे माफ़ कर दिए, उनका फ़ायदा ही मिला किसानों को आज। तो आज वो बैंकें जो है, आपका तो 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख कर्जा है, उनको माफ़ करते हुए उनको तकलीफ हो रही है, और जो उद्योगपति होता है
उनके कर्जे होते 50 करोड़ के, 100 करोड़ के, 500 करोड़ के, 1000 करोड़ के, वो माफ होते हैं। तो फिर राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं भाई कि जब उनका कर्जा माफ करते हो, 15-20 लोगों का कर्जा माफ कर दिया आपने, लाखों करोड़ रुपए है, तो किसानों का कर्जे माफ करने में आपको तकलीफ क्या होती है? लड़ाई हमारी ये है, हमारी कोई मोदी जी है कोई दुश्मनी नहीं है किसी से भी, हमारी नीति है, हमारे कार्यक्रम, हमारे सिद्धांत कांग्रेस के, महात्मा गांधी के जमाने के, पंडित नेहरू थे, मौलाना आजाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, तब से चला आ रहा देश में लोकतंत्र कायम रहा, यहाँ पर वोटों का राज कायम है, इसलिए मान सम्मान आप सबका होता है। पाकिस्तान में व्यवस्था बार बार टूटती गई है। फिर मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, कैसे बनते हैं प्रधानमंत्री? अगर लोकतंत्र जिंदा नहीं रहता यहाँ पर देश के अंदर, पाकिस्तान की तरह बार बार लोकतंत्र की हत्या होती है वहाँ पर, प्रधानमंत्री की जेल होती है, और भुट्टो साहब थे प्रधानमंत्री, एक आपको याद होगा, उनको फांसी पर लटका दिया गया यहाँ पर, इतना बड़ा फर्क है। जो कुछ हुआ है आज 50 साल में वो कांग्रेस की देन है। 60 साल में बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे पहले, अब तो ढाणियों बिजली आनी चाहिए, घरेलू बिजली मिलनी चाहिए, ट्रिपिंग होती तो हम शिकायत कर सकते हैं सरकार से, उस पर बिजली होती क्या नहीं समझते लोग, वो जमाना था आज़ादी के वक्त का। आज सब कुछ हो रहा है, तब भी क्या कांग्रेस ने क्या किया? तो खाली ये बोलने से काम नहीं चलेगा, आपकी स्थिति बहुत ख़राब है, आप कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करना बंद करो, आप तो क्या कर रहे हो देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बताओ, वरना देश का हालात आने वाले वक्त में बहुत बुरी तरह से ऐसी स्थिति बन जाएगी कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि नौकरी लगाने की बात छोड़ो, 2 करोड़ का वादा किया था मोदी जी ने प्रतिवर्ष, अभी हरीश जी बता रहे थे आपको, 90 लाख नौकरी जा चुकी है, 10 लाख नौकरी तो ऑटोमोबाइल वाले वहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, 400 शोरूम बंद हो गए इनके, आपके ट्रैक्टर के और कारों के शोरूम होते हुए बंद हो गए हैं, बेरोजगारी फैल रही है, और ये सरकार जो है, और तो वित्त मंत्री जो सीतारमन है, निर्मला सीतारमन, उनके पतिदेव को कहना पड़ा अभी, शायद आप मैंने कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, उन्होंने कहा इस सरकार को समझ ही नहीं है कि अर्थव्यवस्था चलती कैसे है, उनके पति कह रहा है, जो देश की वित्त मंत्री है मोदी जी की, वो उनके पति कह रहे हैं कि ये सरकार समझ नहीं पा रही अर्थव्यवस्था होती क्या है। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू की तो अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया, नाम लेना बंद कर दिया, कोई बात नहीं, आपको चाहिए, वो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि सरकार को चाहिए कि नरसिंह राव की वक्त की और डॉक्टर मनमोहन सिंह की वक्त की अर्थव्यवस्था को लागू करे, बचना है देश को बचाना है तो बताइए आप, ये स्थिति है। तो कहने को बहुत लंबी छोड़ी बातें, मुझे आगे जाना, अलवर जाना, अभी मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, इसलिए मुझे पहले बोलना पड़ा, पर मुझे खुशी है कि आप आज स्वर्गीय लक्ष्मण नारायण बेड़ा साहब के मूर्ति के अनावरण के प्रोग्राम आप बताए सब लोग, और आपका स्वागत, आपका सत्कार मुझे हमेशा याद रहता है, और जो कुछ भी हम कर सकेंगे आप निश्चिंत रहो, कोई कमी आने देंगे नहीं, और पानी की बात हो चाहे वो, मैंने कहा आपको सड़कों की बात मांगी, मांग उठी गई है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अभी हमने 50 कॉलेज खोली राजस्थान में, 1 साल 50 कॉलेज खोली है, शिक्षा को हम बनना चाहते हैं राजस्थान में, यहाँ बच्चे पढ़ लिख जाएँ, उनको तकलीफ नहीं आए, दवाएँ फ्री दे रहे हैं हम लोग राजस्थान भर के अंदर, टेस्ट फ्री है अपने यहाँ पर, सोनोग्राफी फ्री, डायलिसिस फ्री, खून की जाँचें फ्री, कोई कमी नहीं रखी हमने, और तो और MRI और CT स्कैन भी, जहाँ 1000 रुपये लगते हैं वहाँ हमने, जो सीनियर सिटीजन 60 साल की ज़्यादा उम्र के लोग हैं या BPL के लोग हैं उनके लिए फ्री कर रखी है, तो कमी नहीं है फैसले करने में। अब इन्होंने कहा एक PSC के बारे में बात करी, नाना बेड़ा जी ने PSC के बारे में बात करी, तो PSC या सब सेंटर जो भी होगा, आबादी मुझे पता नहीं कितनी आबादी के हिसाब से क्या होगा, पर आपको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी यहाँ पर, ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ, याद देखिए यही बात कहता हुआ, क्या पानी तो पहले कर दी भाई, क्या करें इनको, नारायण बेड़ा जी को चिंता इतनी ज़्यादा लगी हुई आपकी कि मैंने घोषणा पानी कर दी, तो क्या वो पानी का क्या होगा? तो
अब आपकी इजाज़त से मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी बहनें माताएं भी यहाँ आई हैं। अभी मैंने कहा है घूंघट के बारे में, कहा मैंने, पढ़ा होगा आपने, पूरे हिंदुस्तान पर मैं छप रहा है कि महिलाओं को कब तक कैद रखोगे घूंघट के अंदर। एक जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, इंदिरा गांधी महिला थी, 17 साल तक राज किया देश पे, 17 साल राज किया, वो घूंघट निकालती थी क्या? वही महिला थी। तो अगर एक महिला राज कर सकती है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकती है, बांग्लादेश का उदय कर सकती है, 93,000 सैनिकों को, जनरल, कर्नल, मेजर, सैनिकों को हथियार सरेंडर करवा दिया इंदिरा गांधी ने ढाका के अंदर, दुनिया देखती रह गई। 7वां बेड़ा आया अमेरिका का, परमाणु शस्त्र लैस, इंदिरा गांधी उसकी परवाह नहीं करी। वो इंदिरा गांधी जिसको वाजपेयी जी ने कहा था ये दुर्गा का रूप है, पार्लियामेंट के अंदर कहा था, खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने, देश के टुकड़े नहीं होने दिए, मुकाबला किया आतंकवादियों का, आतंकवाद ने उनको मार दिया, छीना छलनी कर दिया उस महिला का। और इंदिरा जी ने एक दिन पहले ही कहा था, 2 दिन पहले, हो सकता है मेरी जान चली जाएगी, पर मैं कह सकती हूँ मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था इंदिरा गांधी ने। वो इंदिरा गांधी थी। आज हम चाहते हैं कि पुरुष प्रधान देश, ये देश बना हुआ है हिंदुस्तान, राजस्थान, पर आज 73-74 अमेंडमेंट किया राजीव गांधी ने, उसके बाद गांव में वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख महिला बनती है, नगर पालिका में महिला बनने लगी है। घूंघट में बैठा होगे आप मेयर बना करके या प्रमुख बना के, तो कैसे काम चलेगा? पहले बस ये होता था, हम लोग आते थे तो हमारे पास आके सरपंच साहब बैठ गए, मीटिंग खत्म हुई मालूम पड़ा सरपंच साहब ये नहीं, सरपंच साहब तो उनके नीचे पत्नी बैठी, नीचे बैठी हुई है। अरे मैंने कहा आप तो कहते थे मैं सरपंच हूँ, कह नहीं सर मैं सरपंच पति हूँ। तो किसने कहा आप पति था ऊपर बिराज हो, सरपंच बैठ सकती है, आप कैसे बैठ सकते हो? ये कोई नया पद क्रिएट कर दिया गया, सरपंच पति, प्रधान पति, प्रमुख पति, नई पोस्ट बन गई। पर धीरे धीरे महिला समझ गई, वो पति आगे पास बैठ जाते थे पंचायत की मीटिंग में, तो अब महिला कहने लगी है कि अब आप घर जाओ, मैं अपना आप संभाल लूँगी। इतना बदलाव आया है, तो ये बदलाव आना चाहिए, महिलाओं की भागीदारी देश को बनाने में होनी चाहिए। इतना बड़ा मुल्क है, 50% के लगभग महिलाएँ हैं, अगर हम इनकी भागीदारी बढ़ाएंगे तब जाके हमारा मुल्क मुकाबला कर पाएगा विकसित राष्ट्रों से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, जर्मनी, जापान से, फ्रांस से। आधी आबादी महिलाओं की है। आज आईटी का जमाना है, महिलाएं नौकरी करती, बड़ी बड़ी 1 करोड़ तनख्वाह मिलती, 50 लाख तनख्वाह मिलती उनको, बिना पढ़े कुछ भी नहीं है जिंदगी का, अंधेरा अंधेरा है। हर घर में, हर परिवार में, हर ढाणी में पढ़ाई का अभियान चले, उनमें से बच्चे निकलेंगे, लड़कियाँ निकलेंगी। आज लड़कियाँ पुलिस के अंदर 30% हमने दे दिया आरक्षण महिलाओं को, पुलिस की भर्ती में भी, सब भर्तियों के अंदर। आप कल्पना करो, वो कि घूंघट निकाले काम करेगी क्या? आपके DYSP आएगी यहाँ पे, घूंघट निकाले दौरे करेगी यहाँ पर? SP जोधपुर SP हमारी वो प्रीति चंद्रा है, वो घूंघट निकाले घूमती है जोधपुर के अंदर। तो आप कल्पना करो, क्योंकि बुरा लग सकता था, आप लोग घूंघट हटाने की बात करते हैं, हमारी परंपरा है, तो परंपरा उनके लिए नहीं है कि इंदिरा गांधी के लिए नहीं थी क्या? समय बदल गया है, IT का जमाना है, मोबाइल फ़ोन आपके पास में है, पूरी दुनिया में आप क्या हो रहा देख सकते हो इन मोबाइल फ़ोन से, दुनिया भर में बात कर सकते हो। ये जमाना आ गया है, इस जमाने के साथ चलेगा ये मुल्क, तो जाके हम, हमारा मुल्क भी प्रगति करेगा और उन मुल्कों के साथ खड़ा रहेगा, मुकाबला कर पाएगा जो आज बहुत विकसित राष्ट्र हमारे से बहुत आगे बढ़े हुए। इसलिए महिला का सशक्तिकरण हो, एम्पावरमेंट हो महिलाओं का, इसलिए मैंने कहा है कि वो घूंघट के अंदर नहीं हो सकता है, 4 दीवारी में कैद रहती है वो महिलाएं। अरे महिला 47 बजाओ कम कम, पूरी बजाने में जोरदार बजाओ, यानी परफेक्ट मत करो, जोरदार ताली बजाओ और जोरदार, आपको ताली बजाएंगे, सब लोग ताली बजाएंगे, सब ताली बजाओ एक साथ में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।